बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शवारमा घर में कैसे बनाएं। बाज़ार के शवारमा को भूल जाएं, बहुत मज़े का घर पर तैयार कीजिए और हेल्दी भी है। इसके लिए मैंने लिया है चिकन 1/2 kg। इसके अंदर मैंने डाला है रेड चिली 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी तेज़ रखनी है मिर्ची ताकि मज़े की लगे। इसके बाद हल्दी डालनी है 1/2 टेबल स्पून, गर्म मसाला 1/2 टेबल स्पून। इनको अच्छे से मिक्स करने के साथ ही हम डालेंगे चाइना सॉल्ट। मैं चाइना सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून डाला है। अगर आपके पास सोया सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं, चाइना सॉल्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ ही इसमें डालेंगे सादा नमक 1/2 टेबल स्पून। इनको मिक्स करने के साथ हम डालेंगे विनीगर, सिरका डालेंगे 1/2 चम्मच, जायका अच्छा जाता है। इसको मैरिनेट के लिए 20 मिनट रख देंगे साइड पे। पैन में हमने रखना है, पैन और ऑयल आपका दोनों ठंडा होना चाहिए। जब आप मैरिनेट वाला कोई भी गोश्त पका रहे हैं तो उसकी एक ट्रिक है कि आपका गोश्त कभी भी वाइट नहीं होना चाहिए। अगर आपका मैरिनेट करके पका रहे हो तो उसके लिए आपकी पैन और ऑयल दोनों ठंडा होना चाहिए और लो फ्लेम पे पकाएं। इसको पकानेंगे, अच्छे से अपने पानी में पकेगा, इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए, अपने पानी में अच्छे से गल जाएगा। और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चिकन कौन सा है इसका, अपने पानी में ही पक रहा है, आप खुद देख सकते हैं। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है, कलर भी इसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मेरा थोड़ी सी फ्लेम शुरू में हो गया था तेज़, जिस वजह से थोड़ा वाइट होने लगा था, लेकिन मैंने सही कर लिया। अच्छा, अब जब ये बन गया है तो आप शवारमे में जो एक मेन चीज़ होती है, थोड़ा सा जले हुए की खुशबू आ रही होती है, तो उसके लिए आपने रखना है, इसको लगाना है धुआं लगाना है। आप दरमियान में रख लें चम्मच और देखता हुआ कोला डाल दें। अब आपने ऑयल डालते हुए साथ ही हाथ में रखना है आपने ढक्कन। ढक्कन रखने के साथ ही आप जैसे ही आप ऑयल कराएंगे साथ ढक्कन रख दें, ढक दें, हमारा जो है प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हमने मेन प्रोसेस आता है रोटी, जो आपने इसमें लेनी है। रोटी के लिए आप कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई मैदा वगैरह डालने की, आपके घर में जो आटा गंदम का यूज़ होते हैं उसी की रोटी बनाएं, क्योंकि ये हेल्दी भी अच्छी भी है। मैदे की रोटी अच्छी नहीं होती, तो हम हेल्दी शवारमा खा रहे हैं। इसके ऊपर लगाएंगे मेयोनीज़, मेयोनीज़ के साथ और रेड सॉस तो लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो वो भी 1/2 टेबल स्पून डालिएगा। रेड सॉस बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है, ज़्यादा नहीं डालते। और ये दोनों सॉस मैंने घर में बनाए हुए हैं, इसकी पहले वीडियो मैंने चढ़ा दी है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस लिंक से भी जा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें, आपके घर में जो सैलड वगैरह है वो रखें और ऊपर इसकी अच्छे से गार्निशिंग करें, आपका शवारमा तैयार है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।